गुड मॉर्निंग, आज मैं आपको एंजिल बताऊंगी। क्रिसमस में आपको ऐसा एंजिल बताऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट कलर का या कोई भी सा कलर का क्राफ्ट पेपर, आप रेड भी ले सकते हो, व्हाइट, हम व्हाइट से ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे हम फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमने ऐसे कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ये वाला है उसको डबल फोल्ड करेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया और इसको मोड़ने के लिए ऐसे मोड़ेंगे हम, फिर इसको ऐसे, उसके पहले हमें इसको ऐसे मोड़ लिए, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे और बारीक करना चाहोगे तो, और फिर इसको ऐसे और ऐसे, ये हमने ऐसा मोड़ा। अब उसके बाद इसको पूरा खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको ऐसे ऐसे पेन से ही करना है। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे और उसमें ऐसे कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने एक बड़ा काटा और ये दो एंजल के विंग्स के लिए ये। अब इसको हम एक छोटी पतली पट्टी काटेंगे, ऐसी पतली पट्टी काटेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। ये ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। अब हमने ये तीनों में ऐसा लगा दिया ये। अब इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। ज्वाइंट कर लिया। अब हमने इसमें मोती लगाया है। आप वाइट पेपर से सर्कल काट के आप ऐसा लगा सकती हैं और पीछे रिबन लगा लेंगे ऐसा। तो हम पहले सर्कल लगाते हैं। ये देखिए, हमने सर्कल काट लिया और सर्कल काट के रिबन से ऐसा बनाया। ये आपका एंजल कंप्लीट हो गया। ये ऐसा एंजल तैयार हो गया। और आप चाहो तो ग्लिटर शीट से आप स्टार, ऐसा स्टार बना सकते हो। ये वाला ऐसा स्टार बनाएंगे आप, तो उसके लिए आपको स्क्वायर में इतना बड़ा आपको शीट लेना है। शीट लेने के बाद आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप देखिए, यहाँ से आप इसको कटिंग कर लीजिए। ऐसा कटिंग करने के बाद इसको आप इसमें ग्लू गन से ऐसा ज्वाइंट करेंगे। ऐसा ज्वाइंट करने के लिए उसके बाद आप अलग अलग कलर से आप इसको पेस्ट करेंगे। ये ऐसे ऐसे ही आपको बहुत सारे करने हैं और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल काट कर आप बीच में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू।